अब स्टिमुलेटेड एमिशन समझते हैं, ठीक है। तो तीन प्रोसेस में दो प्रोसेस समझ चुके हैं, तीसरा है, और लेजर के लिए यही मेन है, लेजर होने के लिए या लेजर से जो लाइट निकलती है वो स्टिमुलेटेड एमिशन के लिए निकलती है। तो चलिए इसे समझिए कि एटम ऑलरेडी एक्साइटेड स्टेट में था, हमें पता है 10^-8 सेकेंड बाद वो वापस लोअर एनर्जी स्टेट में आ जाएगा। वो हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में आता उससे पहले ही हमने एक फोटोन उस पर इंसिडेंट कर दिया जो इस एनर्जी लेवल डिफरेंस के बराबर का था। उसने क्या किया, इस एटम को स्टिमुलेट किया, इंड्यूस किया कि हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में आए। तो हमने एक फोटोन इंसिडेंट किया तो हमें दो फोटोन मिल गए जो दोनों फोटोन सेम फेज में थे और साथ में सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे थे। जो स्पॉन्टेनियस एमिशन होता है उसमें क्या होता है, जब एटम्स एक्साइटेड होते हैं तो उन जब वो E2 से E1 स्टेट में आते हैं तो रैंडम डायरेक्शन में फोटोन मूव करता है। स्टिमुलेटेड एमिशन में क्या होता है कि जो हम फोटोन इंसिडेंट करते हैं वो जिस फेज में होता है उसी फेज में बाकी फोटोन्स भी हो जाते हैं और सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं। ये प्रोसेस लेजर के लिए मेन है। होता क्या है, एटम के अंदर या मटेरियल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन तो होता नहीं है या एक एटम तो होता नहीं है, लार्ज नंबर ऑफ एटम्स होते हैं। हम किसी भी प्रोसेस के थ्रू उस लार्ज नंबर ऑफ एटम को E2 स्टेट में पहुंचा देते हैं। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं पंपिंग टेक्निक। पंपिंग क्या होती है, जैसे वाटर लेवल कुप में हम क्या करते हैं, वाटर सप्लाई में क्या करते हैं, ग्राउंड से वाटर को टैंक में पहुंचा देते हैं छत पर, उसी तरीके से पंपिंग टेक्निक में क्या होता है कि हम एटम्स को लोअर एनर्जी लेवल E1 से E2 स्टेट में ऑलरेडी पहुंचा चुके होते हैं, मतलब स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन ऑलरेडी हुआ हुआ होता है उन एटम्स में। फिर एक फोटोन एक एटम को स्टिमुलेट करता है कि वो हायर एनर्जी स्टेट से वापस से अपनी लोअर एनर्जी स्टेट में आए और वो एटम टू फोटोन एमिट करता है। ये टू फोटोन मीडियम्स के अंदर चलते हैं तो जो भी एटम इसको E2 स्टेट में मिलेगा उनको स्टिमुलेट करेंगे कि वो हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में आए। तो टू फोटॉन्स हैं, टू एटम से इंट्रैक्ट करेंगे, टू एटम से इंट्रैक्ट करेंगे तो फोर फोटॉन्स मिल जाएंगे। अब ये फोर फोटोन फोर एटम से इंट्रैक्ट करेंगे तो फोर की जगह हमें एट मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप क्या देख रहे हो, 2^1 मिला था पहले, फिर 2^2 हुआ, फिर 2^3 हुआ। मटेरियल के अंदर लार्ज नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, सपोज एन होते हैं, तो लास्ट में जाके 2^n फोटॉन्स हो जाएंगे। तो एक फोटॉन से हमारे पास 2^n फोटॉन्स हो जाते हैं जो सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं, सेम फेज में मूव कर रहे होते हैं। तो ये प्रोसेस यूज होता है लेजर के अंदर कि एटम को ऑलरेडी हम एक्साइटेड स्टेट में पहुंचा चुके होते हैं और फिर एक फोटॉन एटम्स को स्टिमुलेट करता चलता है कि वो एमिशन करें हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में आए और हम पे एक बीम मिल जाए जो कि सेम फेज में हो और सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हो। लेकिन अब एक प्रॉब्लम है, जो हमारा एक्साइटेड लेवल है इसका जो लाइफ टाइम है 10^-8 सेकेंड होता है, ये बहुत कम टाइम है। हम बाहर से कोई फोटोन इस पे इंसिडेंट करें या कोई इस पे फोटोन आके इसको इंट्रैक्ट करे उससे पहले ही ये E2 स्टेट से E1 स्टेट में आ जाएगा स्पॉन्टेनियस ट्रांजिशन के थ्रू। तो मतलब जो ये E2 स्टेट है इसका लाइफ टाइम जो है थोड़ा ज्यादा होना चाहिए। का क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। तो ज्यादा क्या होता है, 10^-3 सेकेंड टू 10^-8 सेकेंड, ये लाइफ टाइम होता है कुछ स्टेट्स का, जिन स्टेट्स को हम बोलते हैं मेटा स्टेबल स्टेट। तो लेजर के लिए या स्टिमुलेटेड एमिशन के लिए जो ट्रांजिशन होता है वो मेटा स्टेबल स्टेट से होता है। तो जो एक्साइटेड स्टेट है वो मेटा स्टेबल स्टेट होनी चाहिए कि एटम वहां पे ज्यादा देर रुके, फिर बाहर से कोई फोटोन उस पे इंट्रैक्ट करे और उसको हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट मिलाए, ठीक है। तो मतलब E2 स्टेट या जो भी हमारा एक्साइटेड स्टेट होगा वो मेटा स्टेबल स्टेट होना चाहिए लेजर एक्शन के लिए। एक कंडीशन ये भी पता लगी, ठीक है। आपको दिख भी रहा होगा ये 10^-8 सेकेंड है, ये 10^-3 टू 10^-5 सेकेंड होता है, तो इनके बीच का डिफरेंस मतलब 10^5
के अराउंड हो गया, मतलब 10 to power 5 लाइफ टाइम ज्यादा होता है मेटास्टेबल स्टेट का, वहां पे इतना ज्यादा रुक सकता है एटम। चलिए मैं इसको क्लियर कर रही हूँ, अब इसको समझते हैं, ये सब समझाने के लिए था। ठीक है, तो एटम क्या है, ऑलरेडी एक्साइटेड स्टेट में है, बाहर से फोटोन इंसिडेंट हुआ तो फोर्स एमिशन है, ये हो नहीं रहा था हमने इसको फोर्स किया, या विद एक्सटर्नल एनर्जी से ये एक्साइटेड स्टेट E2 से E1 स्टेट में आया। दिस प्रोसेस इज नोन एज स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। व्हेन इंसिडेंट फोटोन कॉज एन अपर एनर्जी एटम टू डीके टू लोअर एनर्जी लेवल एमिटिंग अ स्टिमुलेटेड फोटोन हुज प्रॉपर्टी आर आइडेंटिकल टू दोज ऑफ इंसिडेंट फोटोन रेफर एज ए स्टिमुलेटेड एमिशन प्रोसेस। अपर एनर्जी लेवल इज द मेटास्टेबल स्टेट और जो आउटगोइंग फोटोन या रेडिएशन है वो हाईली कोहेरेंट होगा। इसके अलावा एक डेफिनेशन हमने अभी पीछे लिखी थी, वहां पे मैंने आपको बताया भी था, विदाउट की जगह अगर विद लिख लेंगे तो स्टिमुलेटेड एमिशन की डेफिनेशन हो जाएगी, और करके एक डेफिनेशन और लिख रही हूँ। तो क्वेश्चन हो गया हमारा, व्हाट इज स्टिमुलेटेड एमिशन, और करके जो लास्ट डेफिनेशन है वो ये है इसकी, द प्रोसेस ऑफ फोर्स्ड एमिशन ऑफ फोटोन कॉजेस या कॉस्ट बाय इंसिडेंट फोटोन इज कॉल्ड स्टिमुलेटेड एमिशन। डायग्राम ये वाला नहीं बनाएंगे, नेक्स्ट स्लाइड में है वो डायग्राम बनाए, तो इसको कर लीजिए। P1 मतलब P21, 2 से 1 आना किस पे डिपेंड करेगा, एक तो बाहर से जो रेडिएशन हमने डाला उसकी डेंसिटी पे, तो यू न्यू पे, साथ में P21 इक्वल टू हो जाएगा P21 यू न्यू, ये अभी नेक्स्ट स्लाइड में लिखेंगे। तो क्या है, एटम ऑलरेडी एक्साइटेड स्टेट में है, बाहर से फोटोन इंसिडेंट हुआ, इसने इसको स्टिमुलेट किया कि हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में आए, और एक फोटोन की जगह हमें 2 फोटॉन्स मिले, तो इनिशियली एक्साइटेड स्टेट में है, फाइनल लोअर एनर्जी स्टेट में है। द रेट ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन डिपेंड ऑन द एनर्जी डेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ टू स्टेट्स इन्वॉल्व P21, और P21 के सफिक्स में स्टिमुलेटेड एमिशन लिख लीजिएगा, क्योंकि 2 से 1 आने में 2 प्रोसेस हैं, एक स्पॉन्टेनियस और एक स्टिमुलेटेड, इज प्रोपोर्शनल टू यू न्यू, और P21 stimulated emission is equal to B21 u nu, where B21 is known as Einstein coefficient of stimulated emission of radiation and u is the energy density of incident radiation. मैम दोनों फोटोन की एनर्जी सेम होगी ना? हाँ, इन दोनों फोटोन की एनर्जी भी सेम होगी, इवन सेम फेज में होंगे, वेवलेंथ भी सेम होगी। मैम उस फोटोन का लाइफ टाइम कैसे बढ़ा देते हैं, जो 10 to the power -3 से 10 to the power -5 सेकंड तक स्टे कर? फोटोन का नहीं बढ़ा रहे हैं हम, एनर्जी लेवल का लाइफ टाइम बढ़ा रहे हैं, और एनर्जी लेवल का भी टाइम नहीं बढ़ा रहे हैं हम, ऐसी स्टेट में एक्साइटेड करना चाह रहे हैं जिसका लाइफ टाइम ऑलरेडी ज्यादा हो। नॉर्मली जो एक्साइटेड स्टेट होती है उनका लाइफ टाइम 10 to power -8 सेकेंड होता है, तो इसलिए हम मेटा स्टेबल स्टेट चाहते हैं। मेटा स्टेबल स्टेट्स वो स्टेट्स होती हैं जिनका लाइफ टाइम 10 to power -3 टू 10 to power -5 सेकेंड होता है। कैसे होती हैं, क्यों होती हैं, फिर वो कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए तो आप मीटिंग लीड कर सकते हैं। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, हैव अ नाइस डे। थैंक यू, सेम टू यू, हैव अ नाइस डे टू ऑल।